What's up everyone? Welcome back to the channel. तो guys, हम लोगों ने depreciation शुरू किया था, दो parts में आपको करा चुका हूँ. बहुत अच्छे से मैंने आपको basic समझाए हैं, SLM मैंने आपको separately समझाया है. आज हम एक book का question करने वाले हैं और इसके अंदर एक concept और है जो कि sale वाला concept है, plus GST भी इसके अंदर है. तो this is going to be a very important question, आपके basics के लिए बहुत अच्छा. नेक्स्ट क्लास में हम SLM को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे और depreciation आपका ऑलमोस्ट हाफ कंप्लीट हो जाएगा. चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और डेप्रिसिएशन को आगे की तरफ लेके चलते हैं. लेट्स बिगिन. तो चलो यार, अब क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं बहुत ध्यान से. हमें करना क्या है, हमें मशीन अकाउंट बनाना है. डेप्रिसिएशन 10% पर एनम ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट मेथड. देखो 10% पर एनम परसेंटेज गिवन है. जब भी परसेंटेज गिवन होता है तो फिर वो फॉर्मूला नहीं लगता, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन वर्किंग लाइफ, वो नहीं लगता, सीधी परसेंटेज अप्लाई होती है. ठीक है, अकाउंट्स कब क्लोज हो रहे हैं, 31 मार्च पे. अब हमें एक मशीन अकाउंट बनाना है. चलो यार ठीक है, बना के चलते हैं. हम एक मशीन अकाउंट बनाएंगे, बट उससे पहले मैं क्वेश्चन लिखने का प्रयास करता हूं कि हुआ क्या है. ऑन 1st April 2020 अशोका लिमिटेड ने एक मशीन खरीदी 5 लाख की, प्लस IGST 12%. अब बच्चों एक बात समझना, डेप्रिसिएशन तो जीएसटी पे लगेगा नहीं, डेप्रिसिएशन तो कॉस्ट पे लगेगा. तो कभी भी आपको जीएसटी दिया हो डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन में, तो समझ जाना उस जीएसटी का कुछ नहीं करना, यू जस्ट हैव टू इग्नोर. आपको उसको सिर्फ और सिर्फ इग्नोर करना है और कुछ नहीं करना. तो ये जीएसटी दिया हुआ है, इससे बिल्कुल घबराना मत, इसका कुछ नहीं है, छोड़ दो बिल्कुल. ठीक है, तो चलो देखो क्या है. अशोका लिमिटेड ने मशीन खरीदी 5 लाख रुपए की. चलो आओ सर, 1st April 2020 में यहाँ पे परचेज करी 5 लाख रुपए की एक मशीन. ठीक है सर, 5 लाख की एक मशीन खरीदी है. ओके, आगे क्या है. ऑन 1st July 2023 मशीन 2 लाख की बिक गई. फिर से जीएसटी कुछ नहीं करना. 1st July 2023 पे मशीन 2 लाख की बिक गई, July 2023. तो सबसे पहले तो 31 मार्च 2021 आएगा, फिर 31 मार्च 2022 आएगा, फिर 31 मार्च 2023 आएगा, उसके बाद July 2023 आएगा. यहाँ पे आके सेल कर दी मशीन 2 लाख रुपए की, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है. इसका मतलब हमें जो काम करना है वो 1 साल 2 साल 3 साल और 4 साल में लाके मशीन बेची गई है. ठीक है, शुरू करें. चलो आ जाओ, मशीन अकाउंट बनाते हैं हम. डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, और वही डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये हमारा एक मशीन अकाउंट रेडी है जी. डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये हमारा मशीन अकाउंट आ गया जी. ठीक है, अब देखो बच्चों क्या हुआ है. 2020 फर्स्ट अप्रैल में खरीदी गई है मशीन 5 लाख रुपए की. 2020 अप्रैल 1 टू बैंक अकाउंट. जब भी मशीन खरीदते हैं तो डेबिट साइड में लिखते हैं, क्योंकि डेबिट में एसेट बढ़ता है. और वैसे भी अगर आप लेजर पोस्टिंग जानते हो तो मशीन खरीदने की एंट्री क्या होती है, मशीनरी डेबिट टू कैश या मशीनरी डेबिट टू बैंक. इसका मतलब मशीन के डेबिट में ही पोस्ट होगा, है ना. तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट के हिसाब से चल रहे हैं हम, कुछ भी अलग नहीं है, राइट तो इसका ध्यान रखना. मशीन खरीदी कितने की है, 5 लाख रुपए की. अब डेप्रिसिएशन जो है बच्चों ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, तो हर साल सेम लगेगा. लगना कितना है, 10%. तो 5 लाख का 10% 50,000 का डेप्रिसिएशन बैठ जाता है, 5 लाख का 10%. ठीक है, अब हम यहां से चले पूरे साल चलते चलते, ईयर एंड आ गया सीधा 2021 March 31st. देखो अप्रैल में मशीन खरीदी थी, मार्च पे आ गया हूं, पूरे साल यूज करी, पूरे साल का डेप्रिसिएशन. तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट
50,000 रुपीज़ का हमने फर्स्ट ईयर में डेप लगा दिया, ठीक है। अब हम इसका बैलेंस निकालेंगे, बाय बैलेंस कैरेट डाउन 5 लाख माइनस 50,000, 4,50,000 बच्चे बैलेंस आ गया, ये क्लोज हो गया हमारे पास। तो 5 लाख का हमारे पास, 5 लाख का हमारे पास टोटल आ गया, ठीक है जी, ये हमारे पास टोटल आ गया। उसके बाद 2021 अप्रैल 1-2 बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना बैलेंस ब्रॉड डाउन होगा, 450 आप इधर ले आओगे, 450 आप यहाँ पे ले आओगे, ठीक है जी, 450 इधर आ गया। अब क्या करना है आपको, 2022 देखो ये हो गया 21 तक, अब चलते रहे, ईयर एंड हो गया, फिर से ईयर एंड हो गया, एक साल और आपने मशीन यूज करी, March 31st क्या लिखोगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन फिर से सेम लगेगा, स्ट्रेट लाइन मेथड ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में होता ही है सेम। कितना 50,000 रुपीज़ का आपने फिर से डेप लगाया, अब कितना बैलेंस बचेगा, डेप लगने से पहले मशीन 450 की थी, 50,000 का डेप लगा, 4 लाख की मशीन हो गई, ईयर एंड हो गया, ये 450 और ये भी 450, ठीक है। अब इसको फिर से नीचे ले आओ, 2022 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 4 लाख, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2023 March 31st फिर से डेप्रिसिएशन लगेगा, बाय डेप अकाउंट 4 लाख, 50,000 का हमारे पास डेप आ गया, फिर से बाय बैलेंस कैरेट डाउन 4 लाख माइनस 50,000, 3,50,000 बच्चों हमारे पास बैलेंस आ जाएगा, तीसरे साल का काम खत्म, ये भी 4 लाख और ये भी 4 लाख, 4 लाख हमारे पास ये भी आ गया, ठीक है ना। तो 3 साल का हम लोग काम कर चुके हैं बेसिकली। अब क्या होगा, फिर से आगे चलेंगे, तो July 23 में हमने इसको बेच दिया। अब ये देखना है कि July 1st में या July last में, ये देखने वाली बात है। ऑन 1st July 23 द मशीन वॉज सोल्ड, ठीक है जी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इसको इधर बैलेंस लेके आओ, 2023 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,50,000, सही हो गया जी। अब July 1st में आपने मशीन को सेल ऑफ कर दिया 1st July पे, तो इसका मतलब क्या है बच्चों, समझो। सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मशीन बिकेगी तो क्रेडिट साइड में बिकेगी, क्योंकि आपको पता है कि एसेट क्रेडिट में कम होता है, मैंने आपको बताया था भाई, बाय डेबिट में करी है तो सेल तो इधर ही करेंगे ना। 2023 July 1st यहाँ पे लिखना बाय बैंक, जितने की बिकी, कितने की बिकी, 2 लाख रुपए की, राइट। तो 2 लाख रुपीज तो हमने यहाँ पे लिख दिए। अब एक बात समझो बेटा जी, हमारी जो मशीन है वो 1st अप्रैल पे नहीं बिकी, हमें 1st अप्रैल की वैल्यू पता थी, ये जो बैलेंस है ये 1st अप्रैल का है, और मशीन कब बिकी, मशीन बिकी July 1st में। तो इसका मतलब पूरा अप्रैल, पूरा मई, पूरा जून, 3 महीने तो मशीन यूज हुई है। अगर 3 महीने मशीन यूज हुई है तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगना चाहिए बिल्कुल। आप कोई भी एसेट 1 महीना भी यूज करो, वैल्यू कम होती है, 2 महीना 3 महीना, भैया यहाँ पे 3 महीना मशीन यूज हुई तो 3 महीने का डेप लगना चाहिए ना। तो बैंक अकाउंट, ये तो इसका सेल प्राइस आ गया, फिर हम July 1st पे ही डेप्रिसिएशन लगाएंगे, लेकिन कितने महीने का, 3 मंथ्स का। सर 3 मंथ्स का कैलकुलेट कैसे होगा, देखो 50,000 पूरे साल का है तो 3, 12 में से 3 महीने का कितना हो गया, ऐसे कैलकुलेट हो जाता है, 50,000 × 3/12 12,500 आना चाहिए मेरे हिसाब से, 50,000 × 3/12 यस 12,500 का ये डेप्रिसिएशन हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आप देखोगे कि मशीन पे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ठीक है। देखो मशीन कितने की थी, 350 की थी,
350 पे 12500 का डेप लगा हुआ है, तो 350 में से 12500 अगर मैं हटाऊं, 350 में से 12500 अगर मैं हटाऊं तो 337500 की मशीन हो जाती है, क्योंकि 350 की थी ना, 350 में ये डेप लगा दें अगर हम, तो 337500 की हो जाती है। 337500 वाली मशीन 200000 की बिकी है, माइनस 200000, इसका मतलब हमें 137500 का लॉस हो रहा है। हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस लॉस को भी यहीं पे लिखते हैं, 137500। ये किस नाम से लिखोगे, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये बेसिकली आपका लॉस है। तो लॉस को निकालने के लिए या तो आप कॉन्सेप्चुअली सोच सकते हो कि मशीन शुरू में इतने की थी, इसमें ये डेप माइनस हुआ तो 337500 की बिकी, 337500 वाली मशीन 200000 में बिक रही है, तो ये लॉस आ गया या नहीं आ गया हमारे पास। और अगर आपको नॉर्मली देखना है तो इसमें से ये दोनों चीज़ें हमेशा माइनस कर लो, सेल वाला प्राइस माइनस कर लो और डेप वाला प्राइस माइनस कर लो, तो प्रॉफिट या लॉस निकल आ जाता है, ठीक है ना। अब सपोज ये मशीन 400000 की बिक जाती, अगर ये मशीन 400000 की बिकती तो इधर वाली साइड ज़्यादा हो जाती, हो जाती तो वो प्रॉफिट था, प्रॉफिट फिर यहाँ लिखा जाता टू स्टेटमेंट ऑफ P&L। ये मैं अभी आने वाले क्वेश्चंस में भी आपको कराऊंगा, ठीक है, क्वेश्चंस में प्रॉफिट भी आ सकता है। आपको सिंपली क्या करना है, इस वाली पार्ट में से ये दोनों माइनस करने हैं, अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो यहीं लिख दो, नेगेटिव आ रही है तो इधर लिख दो प्रॉफिट, ठीक है। तो फिलहाल तो लॉस हुआ है 350000 इधर आ जाएगा और 350000 इधर आ जाएगा। तो जब भी मशीन बिकती है तो आपको तीन चीज़ों का ध्यान रखना है जो यहाँ पे लिखी जाती हैं, कौन सी, एक तो ये दैट इज सेल कितना, एक ये किस पे डेप कितना लगा, और एक ये किस पे लॉस कितना हुआ। अगर प्रॉफिट हो रहा होगा बच्चों तो वो इधर लिखा जाएगा टू स्टेटमेंट ऑफ P&L, याद रखना ताकि दोनों साइड का टोटल मैच हो सके। तो जब भी मशीन बिकेगी तो इधर लिखी जाएगी, ये भूलना नहीं है। और तीन चीज़ें, बाय बैंक, बाय डेप, बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L यानी कि लॉस, ओके। तो दिस इज हाउ हम सेल वाला पार्ट करते हैं जब मशीन बेची जाती है, राइट। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से करके चलना है, गड़बड़ नहीं करनी है, राइट। तो ये था बच्चे हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर मशीन बेच दी गई। अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको आगे लेके चल रहा हूँ डेप्रिसिएशन में, चीज़ें सिखाता सिखाता। आई होप आपको आज वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। कल हम मल्टीपल मशीन्स वाले क्वेश्चन करेंगे जिसमें एक से ज़्यादा मशीनें होंगी, दो मशीन, तीन मशीन, चार मशीन, ऐसा वाला क्वेश्चन करेंगे, उसमें डेप भी होगा, उसमें सेल भी होगा, और एक मशीन खरीदेंगे एक मशीन बेचेंगे, ऐसा भी होगा। तो अब आगे लेके चलूँगा, शुरू के तीन पार्ट्स अच्छे से रिवाइज कर लो डेप्रिसिएशन के, ताकि आप आगे बेस्ट कर पाओ। प्लेलिस्ट में मैं ऐड करता जा रहा हूँ सारी चीज़ें, तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन, मैं आपको मिलता हूँ न्यू वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, कीप शेयरिंग द वीडियोस, लाइक करना मत भूला करो, मुझे लाइक्स चाहिए, मुझे तुम्हारे कमेंट्स देखने हैं कि तुम कैसा फील कर रहे हो, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, और मिलते हैं कल न्यू वीडियोस के साथ, थैंक यू सो मच।